ग्वालियर में करीब एक दर्जन वकील एसपी ऑफिस में अपने साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत लेकर पहुंचे। वकीलों का कहना है कि उत्तराखंड में 21 नवंबर को होने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ के पद पर उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी परीक्षा में 8 दिन बाकी हैं और उनके पास उनके व्हाट्सएप पर परीक्षा पेपर भेजे जाने संबंधी मैसेज आ रहे हैं और उनसे उसके बदले रुपयों की डिमांड की जा रही है, जिसकी शिकायत एसपी अमित सांघी से शहर के वकीलों ने की। परीक्षा में शामिल होने वाले वकीलों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड परीक्षा आयोग से उनका डेटा लीक हुआ है, जिन पर उत्तराखंड के नंबर और स्थानीय नंबरों से पेपर लीक कर भेजने की बात की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि परीक्षा दिनांक के 3 दिन पहले जब पेपर भेजा जाएगा तभी पेपर के बदले कितना रुपया देना पड़ेगा बताया जाएगा। वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने जल्द जांच कर मामले की तह तक जाने की बात कही है। जो उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 21 नवंबर को, तो उसके लिए वहाँ से आयोग से जितने भी हम एडवोकेट हैं और उसमें अपीयर होने वाले हैं उन सबके नंबर लीक हो गए हैं। तो वहाँ के जो भी लोकलाइट होंगे या जो भी ग्रुप होंगे इन्फ्लुएंस करने वाले, वो हम सबको मैसेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपके पास पेपर आ जाएगा और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने डिमांड की है। अब लिंक प्रोवाइड किए हैं उन्होंने कुछ, उन पे जाते हैं तो और नंबर्स ओपन होते जाते हैं, ऐसा करके पूरा ग्रुप है इनका और शहर में जितने भी लोग जाने वाले हैं इस एग्ज़ाम में उन सबके पास ये मैसेज आ रहा है। नंबर उत्तराखंड के हैं और कुछ यहाँ के भी नंबर हैं, इसलिए ये जाँच का विषय है और आईटी पैसे की डिमांड कर रहे हैं लोग।